वेलकम इन एएससी स्टार्टर क्लास सिक्स का ना इंग्लिश का जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का, तो जो मॉर्निंग वाले बच्चे हैं वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं और जो इवनिंग वाले बच्चे हैं वो इस पेपर को समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे समझाऊंगा, तो मॉर्निंग वाले वीडियो को जल्दी से आगे करके देख लें और इवनिंग वाले आराम से समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है एक बार एक ना लिटिल फिर ट्री होता है जो जंगल के अंदर होता है। ठीक है, वो चाहता था कि वो बहुत बड़ा हो जाए और क्रिसमस ट्री की तरह बन जाए। एक बार क्या होता है, शेट्टी एक मैजिशियन का नाम है जो वहां से जंगल से निकल रहा होता है, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वो उस पेड़ की पनाह ले लेता है। ठीक है, उस पेड़ के नीचे आराम से रुक जाता है ताकि वो गिरा ना। उसके बाद क्या होता है, अब ये जो शेट्टी नाम का व्यक्ति होता है ना, जो जादूगर होता है, ये जब इस पेड़ के नीचे रुक जाता है तो ये बारिश से बच जाता है, और जब बारिश रुक जाती है तो फिर क्या होता है, ये शेट्टी बहुत खुश हो जाता है कि अरे ये गीला नहीं हुआ, अरे गीला नहीं हुआ, मतलब मैं गीला नहीं हुआ, और वो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड दिखाता है, मतलब बहुत ज्यादा किसी को एहसान जताते हैं ना वो, तो बहुत ज्यादा खुश होता है। तो मैजिशियन जो है वो कहता है चार तुम इच्छाएं मांग लो, उस लिटिल फिर ट्री को बोलता है कि अपनी चार इच्छाएं पूरी कर दूंगा मैं, मांग लो। तो वो पतला होता है, उसकी पत्तियां जो है ना थोड़ी ऐसे होती होती है, निडल की तरह होती है, सुई की तरह। तो उसके बाद क्या होता है कि वहां कोई पक्षी बैठ नहीं सकता था उसके घोंसले में, तो वो कहता है मेरी ना पत्तियां जो है ना वो बड़ी बड़ी कर दो, हरी हरी कर दो, बड़ी बड़ी कर दो। ठीक है, फिर अगली मॉर्निंग को क्या होता है, उसकी विश पूरी हो जाती है और उसमें से बहुत हरी हरी टहनियां जो निकलने लग जाती है, और हरी हरी पत्ती है सॉरी हरी हरी पत्तियां निकलने लग जाती है, वो बहुत खुश हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो वहां गोट आती है, कौन आती है, गोट, और वो क्या करती है, हरी हरी पत्तियां सारी खा जाती है। अब बेचारा दुखी हो गया ना, पहले पत्तियां नहीं खा सकती थी, अब उसने हरी हरी मांगी, उसका नुकसान हो गया। चलो कहानी में इतना था, अब इसने मतलब क्वेश्चन के आंसर तो आपको चार देने थे, तो जो सबसे अच्छे आपको आते वो करना। देखो इधर पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द लिटिल फील ट्री विश टू ग्रो अप फास्ट, जो लिटिल ट्री है ना वो इतना बड़ा क्यों होना चाहता था। देखो यहां पर लिखे ना, वो बहुत बड़ा इसलिए होना चाहता था ताकि वो क्रिसमस ट्री बन जाए, और क्रिसमस ट्री किससे जुड़ा हुआ है, फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या है, डी, टू बी टॉलर देन ऑल अदर ट्रीज। यहां पर ये दे रहे हैं तो यहां पर लिखा इट वांटेड टू बी ग्रो अप फास्ट टू बिकम ए क्रिसमस ट्री। ठीक है, इसलिए यहां पर इसका आंसर क्या है, डी। क्या आएगा इसका आंसर, डी। क्लियर हो गया, तो बच्चों जिन्होंने ये लगाया गलत लगाया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, यहां पर why did शेट्टी टेक शेल्टर अंडर द लिटिल फिर ट्री, जो शेट्टी है ना उसने उस पेड़ के नीचे पनाह क्यों ली थी, ताकि वो बारिश से बच सके। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट वाज द फर्स्ट विश ऑफ द लिटिल फिर ट्री, उसकी पहली इच्छा क्या थी कि वो अपने अंदर से मतलब बड़ी बड़ी जो है पत्ते निकले उसमें से। ठीक है, तो आपने अगर ध्यान से पैसे पढ़ी तो आप आंसर दे दोगे। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं वो दुखी क्यों हो गया, जो फिटरी था वो दुखी क्यों हो गया कान के एंड में, क्योंकि ये लिखा हुआ है, देखो ये जो बकरी आई थी उसकी सारी पत्ते खा गई थी, तो आपको पैक्सी में से ढूंढ के करना होता है, तो ये आ गया इसका आंसर, डी। फिर इसने बोला ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, ग्रेटिट्यूड का मतलब, तो ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है किसी के प्रति बहुत ज्यादा एक तरह से खुशियां थैंक यू वगैरह कहना, तो यहाँ पे बी इसका आंसर आ गया। चार करने थे, कोई भी आप कर सकते हो। अब सुनो ये सेकंड पैसेज है, ठीक है, दिल्ली जो है कैपिटल है इंडिया की, ये रिच है किस चीज में, अमीर है हिस्ट्री में और लार्जेस्ट स्ट्रीट में, मतलब जिंदा दिल्ली में बहुत ज्यादा ये फेमस है, और यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 30 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है, और यहाँ पे ये हब है एक्टिविटी का, मतलब यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है, और यहाँ पर लैंडमार्क बहुत सारे हैं जैसे कुतुब मीनार है, और इसमें 379 जो है वो स्टेप्स है। ठीक है, और यहाँ पर इंडिया गेट भी है जिसमें 42 मीटर टोल है, जो 42 मीटर टोल है ये, यहाँ पर चांदनी चौक भी है। ठीक है, जहां पर एक तरह से पैराडाइज कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी दुकानें वगैरह और अलग अलग प्रकार के आपको सामान मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो सिटी है ना ये इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि यहाँ पे 250 से ज्यादा पार्क भी है, और यहाँ पे हर जगह ग्रीन स्पेस आपको मिलेगा, अर्बन डेवलपमेंट भी मिलेगा, इसके अलावा ये कल्चर में बहुत ज्यादा आगे है। और दिल्ली में एक प्रॉब्लम भी है एयर पोल्यूशन की, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। चलो पढ़ लिया, अब देखो आप आंसर कितना अच्छा बता पाते। पहले कह रहे दिल्ली जो है किस चीज के लिए जानी जाती है, ये देखो यहाँ पे लिखा है,
ठीक है ना। तो इस ध्यान से पढ़ के करना बच्चे, जल्दबाजी में गलत कर दोगे आप। फिर ये कह रहा है कि कुतुब मीनार में कितने स्टेप्स है, कितनी सीढ़ियां हैं। देखो ये रहा 379, ठीक है 379 आ गया। फिर ये कह रहा है कि जो हाइट है ना इंडिया गेट की, वो कितनी है। हाइट देखो इंडिया गेट की कितनी है, ये देखो 42। तो ये 42 आंसर आ गया। फिर कह रहे चांदनी चौक जो है किस चीज के फेमस है, ये देखो यहाँ पर लिखा ना वैरायटी ऑफ गुड्स, तो ये लिखा चांदनी चौक। ध्यान से देखोगे ना ये लाइन कहाँ मिली, ये लिखा फेमस फॉर ये वैरायटी ऑफ गुड्स। तो एक क्वेश्चन में से जो लाइन मिल रही है वो आपको आंसर देगा ना, आप आंसर कर दो टी आगे। फिर ये कह रहा है कि एनवायरमेंटल चैलेंज कौन है दिल्ली का, दिल्ली की सबसे बड़ी दिक्कत है एयर पॉल्यूशन की। तो भी आंसर आ गया, जिसके जितने सही हो आंसर मैच करते जाना। फिर देखो ये ना आपके कोर्स में क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर इन्होंने दिया, एप्लीकेशन लिखो प्रिंसिपल को कि आपको स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट इश्यू कर दें। ठीक है, तो मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया ना, आप उस पर जो जो लेटर वगैरह करवाया वो सारे कर लेना। ठीक है, पैटर्न आपको सिखाया था उसी को फॉलो करना। ठीक है, उसके बाद अगर ये नहीं करना तो आप ये नीचे वाली एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पर बोला गया कि आप अपने फ्रेंड को इन्वाइट करो दिवाली सेलिब्रेशन के लिए अपने घर पर। देखो बाकी मैंने आपको दो अच्छे से करवाए रखे थे, है ना, वो आपने देख लिए होंगे। अब सुनो, फिर ये कह रहा है चौथे नंबर पर माय फेवरेट हॉबी लिखो, आपका शौक क्या है, आपका शौक क्या है। तो आप यहाँ पर अपने शौक का लिखोगे, बाकी जो मैंने और पैराग्राफ बता रखे वो आप कर लेना। अगर ये नहीं करना तो माय फैमिली के बारे में, तो आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, अपनी फैमिली के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये माय फैमिली के ऊपर था, दोनों में से आपको एक करना था। ये हिंट दे रखी है, इसको यूज करके आप लिख सकते हो कि हम जैसे वी सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर, हम एक साथ फेस्टिवल मनाते हैं, वी हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, वी शेयर थिंग एंड इमोशन। तो आई एनजी आई लिखा ना, वी लिख के पूरा लिखते रहो, ऐसे आसान। इसी में से बहुत सारी लाइन यूज कर सकते हो। चलो अब तो पेपर हो गया ना, अब सुनो ग्रामर, अपने आंसर मैच कर लेना। द चिल्ड्रन यहाँ पे फिनिश आ गया, ये थर्ड फॉर्म लिखी है, और जब थर्ड फॉर्म लिखी है तो यहां पर चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, प्लूरल लगता है, यहां पर आएगा है। द चिल्ड्रन हैव फिनिश। फिर यहां पर लिखे ही, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगता है, तो ही हैज अ न्यू कार, उसके पास न्यू कार है, पास की बात आ रही है, इसलिए यहां पर ही लगा। फिर दे गुड फ्रेंड, तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल से प्लूरल लगाएंगे, दे आर गुड फ्रेंड, वो अच्छे मित्र है। फिर आई के साथ के लगाएंगे, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक। देखो आपको कुछ चार करने थे। फिर कह रहे वी डैश ऑर्डरिंग पिज्जा फॉर डिनर, तो यहाँ पे ऑर्डरिंग आ गया आई एन जी, जब आई एन जी लगता है तो इधर माल लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर क्या गया वी आर ऑर्डरिंग। ठीक है, ये इन्होंने कंटिन्यूस के भी दे दिए। अब उसके बाद ये सिक्स क्वेश्चन है, यहाँ पर द कैट इज सिटिंग, जो बिल्ली है वो कहाँ बैठी हुई है, ये कहाँ बैठ रही है, टेबल के नीचे, तो अंडर आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा अंडर, ये आंसर आएगा अंडर, यू एंड डी आर अंडर। फिर दे आर स्विमिंग द रिवर, क्या आएगा, वो स्विमिंग नदी के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं, तो यहाँ इन लग जाएगा। ठीक है, ये सही लिखा है इस बच्चे ने। प्लीज हैंड द गिफ्ट, मतलब ये गिफ्ट जो किसी को दे दो, जब कोई चीज जाने की आती है ना तो टू लगाते हैं, तो यहाँ टू सही लिखा है। आप द पिक्चर इज हैंगिंग, तो दीवार पर टंगे, तो पर आ गए, तो यहाँ पर ऑन द वॉल आ गए। फिर द प्ले ग्राउंड इज लोकेटेड, देखो ये दो जने हैं, स्कूल और लाइब्रेरी, जब दो जनों के बीच में कोई चीज होती है तो वह बिटवीन लगाते हैं, तो यहां पर आएगा बिटवीन। वैसे भी यहाँ पे कितने करने, चार करने, ठीक है बिटवीन आ जाएगा। तो जब दो जनों में बांटते हैं ना तो बिटवीन लगाते हैं, आपको याद रखना, जब दो जनों से ज्यादा में बांटते हैं तो वहां पे अमंग लगाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना। फिर उसके बाद ये कह रहा है सिंपल पास्ट में आपको बदलना है, इसमें बदलना, सिंपल पास्ट में आप बदलेंगे से, देखो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है, यू गो टू स्कूल, तो याद रहेगा यू वेंट टू स्कूल हो जाएगा। द न्यूज इज फंटास्टिक, तो द न्यूज इसकी जगह वाज लग जाएगा, वाज फंटास्टिक। वी प्ले वेल इन मैचेस, तो वी प्लेड हो जाएगा, PLAYED प्लेड, सेकंड फॉर्म लग जाएगी। देख लो सीख लो बच्चों, जो इवनिंग वाले ना आपके पास मौका है सीख लो। डू यू लाइक प्लेइंग गेम्स, तो डू की जगह डिड हो जाएगा, डिड यू लाइक प्लेइंग गेम्स,
फिर ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे राइमिंग लिखना है, राइमिंग। तो लाइट का आप राइट लिख दो, राइट लिख दो, रेन का ब्रेन, टूल का आप टूल लिख दो, ठीक है, बुक का लुक टुक कुछ भी लिख सकते हो आप, वैसे भी यहाँ पे एनी थ्री करते हैं आप। डी ये ना सेक्शन डी है, ये आपकी बुक से रिलेटेड है, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। वेल देन आई शेल से गुड बाय टू यू वेयर आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। ये आई कौन है यहाँ पर? डॉग। डॉग पता किसे कह रहा है? बेयर को। कि बेयर कैट को कह रहा है कि भाई मुझे तो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान चाहिए जिसकी मैं सेवा कर सकूं धरती पर, तो बेयर को भी छोड़ देता है वो, ठीक है। हु इज आई इन द लाइन, या इस कहानी में आई कौन है? तो यहाँ पे आप डॉग लिख दोगे। फिर कह रहा है आफ्टर लिविंग द बेयर द डॉग डिसाइडेड टू आस्क द लॉयर टू बी इज न्यू मास्टर। तो वो फिर जब बेर को छोड़ दे तो किसको अपना मालिक बनाता है? ये लिखा लायन को बनाता है, लायन लिख देंगे। ये तो क्वेश्चन में से देख के लिखना था सारा, ये देखो। फिर कह रहे विच वर्ड इन द पैसिव मीन सेम एज एनिमल। एनिमल का सेम मीनिंग क्या होता है? जिन्होंने वीडियोस पुरानी देखी होगी उनको पता होगा, मैंने आपको बताया तो बीस्ट बोलते हैं, BEAST। बाकी जिन्होंने चैप्टर पढ़ा वो भी बता देंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ देख लो कहीं और लिखा तो नहीं है, और कुछ वर्ड लिखा हो यहाँ? कहीं लिखा ही नहीं है डियर, आपको खुद ही बताना था बीस्ट, ठीक है। उसके बाद देखो ये पोएम है, ये पोएम है, इसको भी मैं बता ही देता हूँ, जब मैंने इतना बताया तो ये भी बता देता हूँ, ठीक है। ये बीच था, ये दिखाई दे रहा होगा ना आपको, ये डॉग लाइन। फिर यहाँ पर इसने ये पोएम दे रखी है, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, गुड डीड हैप्पी थॉट्स। मतलब ब्यूटी खुद अपने आप में है, अच्छे काम करो, खुश रखो, अच्छे विचार रखो, ठीक है, और इसको रिपीट करते रहो अपने सपनों में, अपने काम में, बस ये सब कुछ यही है, यही ब्यूटी है। वेयर कैन वी सी ब्यूटी अकॉर्डिंग टू दिस लाइन? हम ब्यूटी कहाँ देख सकते हैं बताओ? हम ब्यूटी देख सकते हैं गुड डीड एंड हैप्पी थॉट में, अच्छे विचारों में, ठीक है, और अच्छे कार्यों में हम ब्यूटी को देख सकते हैं। फिर कह रहे गुड डीड एंड हैप्पी थॉट रिपीट देमसेल्फ इन इन क्या आएगा बताओ? ड्रीम्स, रेस्ट या वर्क? क्या आप आराम कर रहे हो, चाहे आप काम कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप सपना देख रहे हो, हर किसी में है, हर किसी में है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस मतलब तीनों के तीनों सही है। जब ऑल ऑफ दिस लिखा आता है ना तो 90% यही आंसर होता है, ऑल ऑफ दिस मतलब ये तीनों ठीक है। फिर कह रहा है सिनोनिम बताओ, सिनोनिम। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, डीड का मतलब होता है काम, तो एक्शन, इसका आंसर ए आएगा। अभी आपकी बुक के क्वेश्चन है, इसके लिए आपको आपको अपनी बुक से देखने, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करो। इतना ही इस वीडियो में, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पोएम और के नाम अच्छे से पढ़ लें, और जो भी आपको नॉलेज है जरूर लेके अच्छे से प्रैक्टिस करें। कई बार इसके आंसर पोएम में मिल जाते हैं, ठीक है, और पैसेज में मिल जाते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से करना, कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप आराम से कर पाएंगे। थैंक यू वंस अगेन, टेक योर साइड स्टूडेंट्स।